सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी जो मैं हूँ अभी हरदोई स्टेशन पे हूँ और यहाँ से हम लोगों का सफ़र जो है वो स्टार्ट, जिस सफ़र की यात्रा कर रहे हैं, इस सफ़र का जो है एक्सपीरियंस क्या होने वाला है मेरे लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है ये सफ़र। अभी हम यहाँ से फ़िलहाल 8 बजे की ट्रेन थी, अभी वो 1 घंटे लेट है देहरादून एक्सप्रेस, तो वो 9 बजे के करीब आएगी। तो सुबह 4:30 बजे हम लोग हरिद्वार पहुँच जाएँगे। अब देखो लेट कितना होती है, ट्रेन कितने बजे पहुँच जाती है। तो हरिद्वार पहुँच के हम आपको मिलेंगे वहाँ पे। इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई ये सब हम ही जानते हैं। बड़ी मुश्किल से एक तो सफ़र बना, उसके बाद हम 5 लोग जाने वाले थे। 5 लोगों में से 3 लोग हैं, मैं, सचिन और शिवांश, इनसे आप सफ़र में आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। ट्रेन के लेट होने की वजह से तुरंत हम लोगों ने रुद्रप्रयाग की बस पकड़ ली और वहां से निकल पड़े। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम यहां लंच करने के लिए रुके हुए हैं। फिलहाल हालत मेरी बहुत ख़राब हो चुकी है, इतनी गाड़ी गोल गोल घुमा घुमा के आई है यहां पे, इतने मोड़ हैं, इतने घुमाव हैं कि जो है वॉमिटिंग भी हुई 2-3 बार। और उसके बाद अभी मैंने चाय पी तो थोड़ी राहत मिली। जब ये नज़ारा देखा है, आप मेरे पीछे देखिए, जब इन पहाड़ों का नज़ारा देखा है तो सारा जो है जो तबीयत थी वो बिल्कुल फिर से हरी भरी हो गई है। अब भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो आगे की यात्रा चलती रहेगी और प्रयास हम लास्ट तक करते रहेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि हरिद्वार जो है हमारी ट्रेन जो है थोड़ा लेट पहुँची, 4:30 बजे पहुंच जाना चाहिए था, वो 6 बजे पहुंची। तो जो 4 से 5 या 6 बजे तक की जो बसेस होती हैं जो डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए जाती हैं वो बसेस मुझे मिल नहीं पाई। तो मुझे जो बस मिली है वो हरिद्वार से रुद्रप्रयाग के लिए मिली है। तो यहाँ से रुद्रप्रयाग जाते हैं, अभी आधा सफ़र तय हो चुका है और रुद्रप्रयाग के बाद जैसा होगा वहाँ देखते हैं। और अभी तो बाबा केदारनाथ के दर्शन का ही प्लान बनाया है, वहाँ सोनप्रयाग पहुँचने का प्रयास करते हैं। आज रात तक पहुँच जाते हैं तो अच्छा ही होगा। और आधा सफ़र जो है वो तय हो चुका है। बस भाई क्या बोलूँ मैं आपको, तबीयत बिल्कुल डाउन हो गई थी, 2-3 बार पलटियाँ भी हुई, इतना गोल गोल घुमा घुमा के। अभी मैं जिस होटल में खाना खाने जा रहा हूँ वहाँ का नज़ारा भी, वहाँ से भी एक बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से, तो उसका भी व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी आप देखिए। फ़िलहाल यहाँ से देखिए क्या नज़ारा है। तो चलिए थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आपको देवप्रयाग में पहुँच के बताते हैं कि वहाँ के क्या हाल है। फ़िलहाल मैं ये बता दूँ कि जो बस मुझे मिली है वो प्राइवेट बस मिली है, बस स्टॉप से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे उसके बाद वो बस जो है मुझे मिल जाएगी। बस का किराया जो है वो रुद्रप्रयाग तक वो 280 रुपये प्रति व्यक्ति हम लोगों से चार्ज किया गया है। जो भी हो, अब देवप्रयाग रुद्रप्रयाग बड़ी कन्फ्यूजन है यार यहाँ पे। रुद्रप्रयाग पहुँचने के बाद हम जो है आपको आगे की वीडियो बताएंगे कि कैसा क्या वहाँ पे सीन है। चलिए चलते हैं और आपको होटल से कुछ नज़ारा दिखाते हैं। फ़िलहाल बसेस जो हैं वो हमारी सामने खड़ी हुई हैं, तो शिवांश खाना खा रहा है, अभी वहीं चलते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं। ऐसे कई अद्भुत नज़ारे जो हैं वो रास्ते को और भी सुहावना और अच्छा बना देते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिली। यहाँ से थोड़ी देर के लिए रुकाव भी होता है और गाड़ियाँ एक एक करके निकाली जाती हैं। फिलहाल ऐसी जगहों पर ये होना स्वाभाविक है। भाई जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग और यहाँ कुछ चाय नाश्ता करने के लिए सो रहे हैं, बैठे हुए हैं। अभी हमने चाय मंगाई है, हालत आप देख सकते हैं धीरे धीरे सब। चलिए चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो भैया अभी हम लोग हैं रुद्रप्रयाग में और रुद्रप्रयाग से अब ऊखी मठ के लिए निकल चुके हैं। और मिलूंगा
रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ के रास्ते में भी काफ़ी अद्भुत नज़ारे हैं जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ के लिए जो है बस का किराया था वो 70 रुपये प्रति व्यक्ति था। रास्ते में हमें कुछ इस प्रकार के खूबसूरत नज़ारे जो कि प्रकृति का सौंदर्य कह सकते हैं उसे देखने को मिलते हैं, जो कैमरे में तो कैद नहीं हो सकते, इन्हें सिर्फ आप अपनी रियल आँखों से ही वहाँ पर जा करके अनुभव कर सकते हैं। ऊखीमठ पहुँचते ही हमें एक सेकंड का भी वेट करना नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है कि टैक्सी वाले भैया जो है वो हम 3 लोगों का ही वेट कर रहे थे, और ऐसा सही में था। बाकी की सवारियां तैयार खड़ी थी जो कि पिछले 1 घंटे से हमारा ही इंतज़ार कर रही थी मान लो। और जैसे ही वहाँ पर उतरते हैं वहाँ से टैक्सी मिल जाती है और हम लोग वहाँ से बैठ करके चोपता के लिए रवाना हो जाते हैं। ऊखीमठ से चोपता का नज़ारा जो है वो काफ़ी अलौकिक है जो आप इस समय देख सकते हैं। ऊखीमठ से चोपता जाने के लिए जो टैक्सी का किराया है वो 200 रुपये प्रति व्यक्ति है, और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इस समय ये चोपता की खूबसूरती है। और ऐसे कई नज़ारे आपको चोपता में देखने को मिलेंगे। खूबसूरती जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं खूबसूरती जो है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। चोपता जाते समय जो प्रकृति का सौंदर्य है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और ऊपर आपको वादियाँ और चोपता की खूबसूरती, नीचे खाई जिसको देखकर दिल थम सा जाता है क्योंकि ये मेरी यात्रा जो है पहाड़ों पर पहली ही है और तुंगनाथ की भी पहली है। फाइनली गाइस वी डिड इट। इस समय 4 बज रहे हैं और हम इस समय चोपता में हैं, और यहाँ फ्रेश होने का कुछ देख रहे हैं। अभी सिवांश देखने गया है भाई, शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। मैं जैसे ही मतलब गाड़ी से उतरा कांपने लगा था शरीर, बिल्कुल हल्का फील हो रहा है भाई, क्या बताऊँ, ये फीलिंग शेयर ही नहीं हो पा रही है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास इसको बताने के लिए। और अभी सोच रहे हैं कि अभी आज ही ट्रैक स्टार्ट करेंगे, शाम तक मंदिर पर स्टे करेंगे, फ्रेश होंगे और नहाएंगे। का पता हुआ कहाँ ओपन? ओपन में यही ओपन कहाँ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से हम जो है ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो है अभी हम कुछ चाय नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, मैगी खाएंगे, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तुंगनाथ जो है यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। हमारे साथ शिवान शर्मा इस ट्रैक में है और सचिन विश्वकर्मा इस ट्रैक में है। मामा भांजे हैं फिलहाल ये लोग, मामा भांजे ट्रैक कर रहे हैं। भाई ये बताओ कुत्ता भाई कुत्ता क्या फीलिंग है? हम भैया अपना बताएं तो भैया जहाँ गाड़ी से उतरे भैया ये, और यही रोड है, ये आपको रोड दिखाएं, ये यहाँ यही बैठ गए बीचों बीच, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा था, चौथा इतना हल्का हो गया। और ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत बिल्कुल पहला है, वो वादियां, वो ये हमारा चौथा एक्सपीरियंस है पहाड़ों पे। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस पहला होगा तुम्हारा? पहाड़ों का एक्सपीरियंस। सचिन विश्वकर्मा तुम कुछ नहीं बोल रहे? अरे मेरा भी फर्स्ट टाइम है। इनकी कमला पसंद नहीं मिल रही है यार, ये दिक्कत है। अभी उनको दिक्कत हो रही है, इनकी कमला पसंद नहीं मिल रही है। चलो अभी हम लोग यहाँ, भैया ये जो पीछे बैठे हैं ये मैगी और चाय बना रहे हैं, हम लोग मैगी और चाय का नाश्ता कह लीजिए आप। फिलहाल हम लोग 6 बजे शाम घर से निकले हुए हैं, और अभी 4 बज रहे हैं, 4 बजने के आसपास लगातार ट्रेवल कर रहे हैं। ओकते ऐसी हालत हुई है, ओकर चकरा तो तुम्हारे मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, ये दोनों लोग तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। रास्ते में जब हरिद्वार से हम लोग रुद्रप्रयाग के लिए आ रहे थे भाई, क्या चला रहा था वो आदमी, यहाँ से पेट से दिल से
पेट में कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल पेट हो गया है बिल्कुल खाली। तो कुछ खाते पीते हैं और ट्रैक स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।